कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है अगस्त 24th टू अगस्त 31st का ये जो वीक है उसके दौरान कौन सी एनर्जीज जो हैं वो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मकर राशि में है, कैप्रिकॉन साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आपके लिए है। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। सबसे पहला डेक द स्टार सीड ऑरेकल डेक, हल्के फुल्के रंग है इसके, बहुत ही डीप एनर्जी है वैसे इसकी। कैप्रिकॉन, थैंक यू सो मच। टू मोर टाइम्स, वन मोर टाइम। शून्य, थैंक यू। ट्रस्ट द टाइमिंग, ओ डिवाइन टाइमिंग। तो आप में से कुछ लोग किसी चीज़ की इंतज़ार में हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो सकती है। ये जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, चट्टाने, रॉक्स को शायद चट्टान ही बोलते हैं। ये जो चट्टाने हैं ये मुझे रेजिस्टेंस की ओर इशारा कर रही हैं और आपके लिए गाइडेंस है कि ट्रस्ट द टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग है। गीता में भी लिखा है समय पर ही आपको जो मिलना है वो मिलेगा। समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा, क्योंकि आपकी अगर सोल रेडी नहीं है किसी चीज़ के लिए और आपको अगर आप चाहें तो पुश करके उसे उस डायमेंशन में लेकर जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ही, आपकी ही आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए डिवाइन टाइमिंग का जो इतना महत्व है हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, राइट? तो ये कार्ड कह रहा है ट्रस्ट द टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर आपको विश्वास रखना है, किसी भी चीज़ को पुश नहीं करना, रेजिस्टेंस के डर में आकर ना किसी भी चीज़ को पुश नहीं करना, बाउंड्रीज की जो आपकी सीमा है उसको नहीं लांघना। जब आप उस सीमा पर पहुंचेंगे तो तब अपने आप ही वो दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन उसको भाग कर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करनी। ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट, अभी भी समय है। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके मैनिफेस्ट होने में अभी समय है थोड़ा सा। और ये क्यों है अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जब चीज़ें आपके अनुसार मैनिफेस्ट नहीं होती और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है काम, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका जो, आपकी जो सोल है ना, वो पेशेंस सीख रही होती है। उस वक्त आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो धैर्य को सीख रही होती है। अब आप में से कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, नहीं नाज, मैं तो पिछले 10 साल से सब्र ही सीख रहा हूँ, मैंने अभी तक ये लेसन सीखा नहीं। वो भी मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों है। सब्र के साथ साथ, सब्र जब तक एकांत में नहीं जाएगा अपने रास्ते में, जिस रास्ते पर वो निकला हुआ है, उसका वो रास्ते में ना रेजिस्टेंस जो है, ये सब्र है और ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस परे नहीं होती, ये जो आपका जो पेशेंस है उसको जो सही मार्ग नहीं मिलता, तब तक आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। ये है रेजिस्टेंस, डर, शंका, डाउट। वो शक्ति जो चल रही है आपके साथ साथ, जब आप उसको, उसमें डर को आप सामने रखेंगे तो वो जो रोशनी है वो ब्लॉक तो होगी। ये चट्टाने जहाँ पर हैं, यहाँ पर देखिए परछाई है, जहाँ पर चट्टान वहाँ पर परछाई, क्योंकि वो रोशनी को रोक रही है। तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, रेजिस्टेंस को बीच पे नहीं लेकर आना। जहाँ रेजिस्टेंस वहाँ पॉज, वहाँ पर क्या है, ब्लॉक आ गया। जितना समय आपका आगे बढ़ने का था वो ब्लॉक हो गया, और समय लगेगा चीज़ों में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? टैरो का असली मकसद आपको होप देना है, आपको आशा देना है, प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपको गाइड करना है। और ये आपको, ये जो रास्ता है ना, वो आपको इस कार्ड के माध्यम से आपके एंजल्स यही कह रहे हैं, देखिए अभी चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग में थोड़ा सा पॉज है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर शंका है, आपको उसको ख़त्म करना है ताकि ये जो रास्ता ब्लॉक हुआ है वो खुल जाए, खुल जा सिम सिम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग का एक जो एक बात कहते हैं हम अपने अपने कल्चर में भी, कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं, रोशनी है उसके घर में, अंधेरा नहीं है। वहाँ पहुँचने में शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन देर सवेर वहाँ आप पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। जो आपकी तमन्नाएँ हैं वो पूरी होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है?
तो मेरे मकर राशि के लोगों के लिए यही गाइडेंस है. एक्सक्यूज मी, मुझे हिकअप भी आया. इंटरेस्टिंग गाइज, ये जब से मैंने वीकली रीडिंग शुरू करनी शुरू की है ना, तो मुझे काफ़ी हिकअप्स आए हैं रीडिंग्स के दौरान, और ये हमेशा मुझे थ्रोट चक्रा की ओर इशारा करते हैं कि जो आपका थ्रोट चक्रा है वो शायद ब्लॉक्ड हो सकता है. जैसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से वो बात कह नहीं पा रहे हैं. मुझे हमेशा हिकअप से मुझे यही मैसेज मिलता है. तो अगर आप ऐसा कुछ हैं तो वो भी रेजिस्टेंस की वजह से है. रेजिस्टेंस अगर एक एरिया में है ना आपकी लाइफ में, तो वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो जो आपके बाकी के क्षेत्र हैं आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी वो इम्पैक्ट करेगी. आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है? तो धैर्य रखिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए. ब्लॉकेजेस है ना अपना, ये ब्लॉक है, ये जो वुमन है अब ये तो इसके ऊपर है ना कि उसे इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना है या फिर उसे मुड़कर अपना माथा इस चट्टान में जाकर लगाना है, ये तो इसके ऊपर है. अगर ये करेगी तो पहले ये जख्मी होगी, फिर उसे अपना घाव भरना पड़ेगा, फिर से उसे मार्ग पर चलना पड़ेगा. तो ये रेजिस्टेंस की निशानी है. रेजिस्टेंस से बचिए, शंका को अपने मन में मत लेकर आइए, ठीक है? जितनी शंका उतनी देरी आपकी मैनिफेस्टेशन में. तो आपका जो ऑरेकल डेक है वो देख लेते हैं. ये है कैप्रिकॉर्न. थैंक यू. वाओ नाइस. वन मोर टाइम. शून्य. थैंक यू. शो द वर्ल्ड द रियल यू. फुल मून इन एक्वेरियस. तो कुंभ राशि कि यहाँ पर परछाई मुझे देखने को मिल रही है. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और इस शख्स के साथ मिलकर आप कोई जैसे ये भी शख्स आप ही की तरह एक सेम यात्रा पर निकला हुआ है, सेम उसकी भी मैनिफेस्टेशन है, वो भी सेम चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहता है. ये रिलेशनशिप भी हो सकता है. हो सकता है आप में से कुछ लोग एक बहुत ही एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें आप दोनों को डर है कि जब ये रिश्ता उजागर होगा सोसाइटी के सामने, तो आपके अंदर डर है कि शायद वो उसे स्वीकार ना करें बाकी के लोग. शो द वर्ल्ड द रियल यू. शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने नकाब भी पहना हुआ है कि जो आप हैं वो आप नहीं दिखा रहे, आप उसको छुपा रहे हैं. अगेन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है आपके अंदर, आपके अंदर डर है किसी चीज को लेकर. और जैसे ये ना काफी मुझे ये चाइल्डहुड मेमोरी क्यों नजर आ रही है यहां पर, चाइल्डहुड बचपना नजर आ रहा है मुझे किसी का. जैसे ये जो घाव है ना आपका, ये आपको बचपन में मिला है किसी से. ये जो डर है, ये जो शंका है, ये आपने अपने आसपास के लोगों से ही ग्रहण की है, सीखी है, और ये बचपन का घाव है कुछ लोगों के लिए. और ये जो कप है, ये देखिए ये जल जो छलक रहा है, ये जो कप है ना, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है हीलिंग की जरूरत है आपके सबकॉन्शियस माइंड को. फुल मून, तो चक्र को कंप्लीट करना. फुल मून के बाद है न्यू मून, राइट? तो किसी चक्र को कंप्लीट करना, लेकिन उसके लिए पहले इसको जल देना, जल की जरूरत है, इसे हीलिंग की जरूरत है. इंटरेस्टिंग गाइस, अगर आप में से कुछ लोगों का बचपन दुर्भाग्यपूर्ण से अगर कुछ उसमें दिक्कत रही हो, तो आपको उसके साथ पीस करने की जरूरत है, उसमें शांति लाने की जरूरत है, उस मेमोरी में, उस वो जो यादें हैं आपकी बचपन की, उसमें आपको पीस भरने की जरूरत है. मुझे लग रहा है वो ही रेपिटेटिव बिहेवियर रहा है आपका, और वैसी ही एनर्जी आप अपने पास को देते रहे हैं, वैसे ही उसे कोसते रहे हैं, उसको याद करते रहे हैं, उसी वैसे ही इमोशंस देते रहे हैं उसे. उसकी वजह से ना उसकी जो खुराक है वो सेम रही, वही दर्द आप उसे फीड करते रहे, और वही बार बार आपके एक्सपीरियंस में भी मैनिफेस्ट होता रहा. तो आपको इसकी हीलिंग की ज़रूरत है. आपका जो टैरो कार्ड है मैं वो देखना चाहूँगी. मुझे अगेन ना मेरे क्राउन चक्रा पर प्रेशर महसूस हो रहा है काफ़ी. ये पता कैसी एनर्जी है, ये सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये सिक्स ऑफ कप्स की डार्क एनर्जी है. एक तो लाइट एनर्जी है, इमेजिन कीजिए सिक्स ऑफ कप्स जो है उसके जो ट्रेडिशनल टैरो में वो पीला रंग है, वो दिन का समय दिखाता है, लेकिन उसी कार्ड को आप इमेजिन कीजिए सिक्स ऑफ कप्स को एक डार्क कलर में, अंधेरे में. तो ये वो एनर्जी है. ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? आपका जो टैरो है वो देख लेते हैं. ये है मकर कैप्रिकॉर्न. थैंक यू.
One more time. Shunya. Wow. Okay. Five of Wands. I swear to Mother Earth. मुझे नजर आया कि आपको सेक्सुअली किसी ने बचपन में आपको सेक्सुअली अब्यूज किया है कुछ लोगों को. आई एम रियली सॉरी. और उसके छींटे आपकी जो अभी फिलहाल की जो लाइफ है उस पर पड़ रहे हैं. जैसे बहुत सारे हाथ आपको छूने की कोशिश की हो, जैसे बचपन में बहुत सारे हाथ, मैले हाथ जिन्होंने आपको छूने की कोशिश की हो, और उसकी वजह से आपका जो अभी जो रियलिटी है आपकी वो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका. माय गॉड, दिस इज, लुक एट दैट. टेम्परेंस, हीलिंग, कप, वाटर और सारा पानी. डेफिनेटली गाइस, आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की जरूरत है, आप में से कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, अपने बचपन को, बचपन की यादों को मिटाने की ज़रूरत है, उनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है. ये जो मैले हाथ जिन्होंने आपको छूने की कोशिश की और जिसकी वजह से आपके मन में ना आपके कड़वाहट भरी, ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स कार्ड क्या है? आर्गुमेंट्स का कार्ड है ये. आर्गुमेंट से क्या होता है? मन में गुस्सा भरता है, ग्रजेस भरते हैं. तो ये जो भी एनर्जी है आपको इसे लेट गो करने की ज़रूरत है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये सब एक हफ्ते में कर लेंगे, नहीं, चीज़ों को होने में वक्त लगता है. मुझे समझ है इस बात की, इस यात्रा को पूरा करने में समय लगेगा, मुझे है समझ. पर ये कार्ड्स कह रहे हैं कि उस यात्रा को भी आप शुरू कीजिए. आपको हीलिंग की जरूरत है, ट्रांजिशन की जरूरत है. और जब आप ये कर लेंगे ना, तो जो आप हकीकत में है वही आप लोगों के सामने खुद को परोसेंगे भी. अभी आपने कोई मास्क पहना हुआ है, मुझे पता है कैसा मास्क नजर आ रहा है कि वो चेहरा है, जैसे चेहरा तो उदास है लेकिन जो मास्क है उस पर बड़ी सी स्माइल है, जैसे स्माइली फेस, मुझे ऐसा मेरे विजन में नजर आ रहा है. और जैसे उस नकाब के पीछे ना, ओ ओके, अगर आप में से कुछ लोग, मुझे ये नजर आया कि रात को सोने से पहले रोते हैं आप में से कुछ लोग, लेकिन आपके परिवार वालों के इसके बारे में नहीं पता. माय गॉड, मुझे ये वीकली रीडिंग है तो स्पिरिट मुझे नहीं पता इतने डीप मैसेजेस क्यों दे रही है मुझे. देखिए, अगर आप में से कुछ लोग रात को सोने से पहले रोते हैं और अपनी बातों को, ये बात किसी को नहीं पता है, सबसे पहले तो बिग हग आपके लिए. मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, आपने इतना समय जो गुजारा है, आपने सहा है इस चीज़ को, जो कि निशानी है कि आप कितने स्ट्रांग हैं. तो बिग हग आपके लिए. लेकिन मैं आपसे अब ये वादा करना चाहती हूँ कि आपके लिए हीलिंग है अवेलेबल. ये जो टेम्परेंस कार्ड है ना, बॉटम ऑफ द डेक, ये बता रहा है कि मैं हूँ तुम्हारे लिए. एक बार पीछे मुड़ के बस मुझे देख लो, एक बार मुझ पर नज़र डाल लो, मैं हूँ तुम्हारे लिए. बस आप इसे देख नहीं पा रहे हैं. क्यों? ब्लॉक्स, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, वो जो बचपन की बुरी यादें हैं ना, वो हैं. ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है, मैं पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है. जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं वो कीजिए, और जितने नहीं हो रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? ये डीप रीडिंग है. आपकी ओवरऑल गाइडेंस भी देख लेते हैं गाइस. वाओ, ये है कुकून टू बटरफ्लाई डेक. मैं थोड़ी सी इमोशनल भी, आप में से शायद कुछ लोग ये रीडिंग देखते हुए रो रहे हैं और मुझे सुनाई दे रहा है वो, इसलिए मैं भी इमोशनल हो रही हूँ. आई एम ओपन टू चेंज, पैराडाइम शिफ्ट, लिसन टू बॉब प्रॉक्टर. ओ माई गॉड, दिस इज डीप.
दिस इज इनसेन, आई मीन दिस इज इनसेन. हमने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स की बात की और ये जो शख्स है बॉब प्रॉक्टर, ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ही प्रीच करते हैं, उनके बारे में ही लोगों को सिखाते हैं. पैराडाइम शिफ्ट, जो बिलीफ सिस्टम है आपके, उनको तहस नहस कर एक नए बिलीफ सिस्टम को लेकर आना. जो ग्रजिस हैं दिल में आपके, जो नफरत भरी हुई है, उसको मिटाकर वहाँ प्यार और शांति का लेकर आना, ये उसकी इसकी और इशारा कर रहा है. और ये कह रहा है आई एम ओपन टू चेंज, मैं रेडी हूँ इस नए चेंज के लिए, मैं रेडी हूँ, मैंने बहुत सह लिया, इनफ इज इनफ, आई एम रेडी. ये चीख रहा है ये कार्ड उसके लिए. मुझे नहीं पता मैं इस रीडिंग को एंड कैसे करूं. बहुत हैवी एनर्जी गाइस, बहुत ही हैवी एनर्जी. आई जस्ट वांट टू से बिग हग. और मैं तारीफ करना चाहूंगी आपकी कि आपने अभी तक इस चीज को सहा. लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अब प्लीज ये जो शिफ्ट आपके लिए है, पैराडाइम शिफ्ट, जो आपका सबकॉन्शियस कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, उसे वो दे दीजिए. ये जो नफरत है आपके मन में, इसको लेट गो कीजिए प्लीज़. ठीक है, मैं इसे यहीं ख़त्म करूँगी रीडिंग को, बहुत ही हैवी मन के साथ. और मुझे अफसोस है कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ बचपन में. हाँ, दिस इज़ क्रेजी. ऑलराइट गाइस, मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, बाय बाय.